मंचलों के हौसले बुलंद, महिला को अकेली देख छेड़छाड़ के बाद की मार दी। यूपी के जनपद बुलंदशहर में सब्जी मंडी से सब्जी लेकर घर लौट रही महिला को मंचलों ने छेड़छाड़ के विरोध के बाद सरेराम सड़क पर गिरा गिराकर पीटा। कोतवाली सिटी से महज 500 मीटर दूर बुग्गी पर बैठे चार युवकों ने की महिला से छेड़छाड़ के बाद मारपीट। मंचलों ने रास्ते से गुजर रही महिला पर पास किए थे अश्लील कमेंट। विरोध करने के बाद मंचलों ने की महिला की पिटाई। महिला को पीटकर मंचले हुए फरार। स्थानीय लोगों ने महिला के फोन से दी महिला के परिजनों को सूचना, तो परिजन बेसुध महिला को ई रिक्शा में डालकर अस्पताल ले गए। पीड़ित महिला की बाजू टूटी, शरीर के कई हिस्सों में भी आई गंभीर चोटें। फिलहाल महिला का जारी है जिला अस्पताल में इलाज। मामला दो संप्रदायों का होने से इलाके में तनाव। पुलिस जांच के बाद कार्रवाई में जुटी। पूरा मामला बुलंदशहर सिटी कोतवाली क्षेत्र के काली नदी पुल के पास की है। सब्जी लेकर जा रही घर की तरफ से, वहाँ चार जने बुग्गी पे बैठे, वो मेरे से बदतमीजी करे, उल्टा सीधा बोल ले, तो मैंने अनसुनी कर दी। कभी मेरे से कह रहे कब तू सही कह रहा हूँ, तेरा फिगर बड़ा मस्त है, तेरी पलेंडी बड़ी भारी है, बड़ी जानदार है, आज मेरी जान में हम देखेंगे। तो मैंने कह दी तेरे घर में माँ बहन ना, मैंने बोला हम तुझसे नहीं कह रहे, फिर इतनी कह के फिर मैं बोली और किसका कह रहा ना, तुझसे ही कह रहे, बता क्या कर लेगी। मैं बोली तेरे घर में माँ बहन ना, फिर तो दोबारा मैं मेरे जो लाठी मारी तीर मेरे सिर पे, फिर मेरे साइड में चक्कू मारा छोटा सा बिलेट निकाल के, फिर मैं खींची चारों जने ने मैं गिरा ली ना, जब मैं गिर रही ना तो गाली दे रहे बहन की लौड़ी को, मारो मारो और इसकी टांगन में मारो, इसे टांग से गिराओ। जब गिर रही ना तो मैं मेरी टांग में फिर तीन डंडा मारे, मैं गिर गई। गिरने पर कोई ना आया, मैंने हल्ला मचाया तो दो जने आए निकल के, इतने वो भाग गए। अपनी पत्नी के साथ में हमारी घरवाली घर से सब्जी लेने के लिए गई थी बंद पर नदी के पुल पर, तो वहाँ से आ रही थी निकल के नहीं, तो बुग्गी पे चार लड़के बैठे थे, वो उन्होंने कुछ उन्होंने बदतमीजी करी, हमारी घरवाली ने उनसे कहा तो उन्होंने मारपीट चालू कर दी हमारी घरवाली के साथ में, और उसे डंडों से और चाकू से उसके पीछे जो सर में चोट आई हुई है वो चाकू की है, और सीने पर जो बाकी निशान है टांग में चोट है वो डंडों से है। अब कैसी हालत है आपकी पत्नी की? अभी तो गंभीर हालत है, अभी थोड़ा सुधार नहीं है लेकिन थोड़ा हल्का आ रहा है अभी थी। वो दबंग है, दबंग लोग अपनी दादागिरी दिखाते हैं वहाँ नदी के पुल पर मोड़ पर, बुग्गी खड़ी करते हैं वहाँ, भैंस बांधते हैं, यही लोग हैं भैंस बांधने वाला जो नदी का है। तो कमेंट ही किया था? हाँ कमेंट किया, खींच के ले जा रहे थे। कहाँ खींच रहे थे? वो खींच के ले जा रहे थे, जब इन्होंने नहीं खींचने में आई तो जब उन्होंने डंडा मारा इसे गिराई वहाँ पर, ये बेहोश हो गई। हाँ इसके छेड़छाड़ करी थी, इसके सीने पे निशान है, खींचा था, कपड़े वपड़े फटे हुए हैं। तो आपने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई? एफआईआर दर्ज कराई, अभी तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं है।